हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग जानेंगे अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे बताएं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस। माय अलार्म वेक्स मी अप, मतलब जब मेरा अलार्म बजता है तो मैं उठती हूँ। मेरा अलार्म मुझे उठाता है, अदरवाइज मेरी नींद नहीं खुलती। माय अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM। गोज ऑफ का मतलब है कि वो बजता है, तो मेरा अलार्म 6 बजे सुबह बजता है। आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ बेड आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। बिस्तर छोड़ने के बाद मैं सबसे पहले एक गिलास पानी पीती हूँ। देन आई मेक माई बेड। मेक माई बेड का मतलब होता है चद्दर वगैरह ठीक करना और बिस्तर को वापस से सही तरीके से लगा देना। तो देन आई मेक माई बेड। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। उसके बाद मैं अपने दांत साफ करती हूँ और अपना चेहरा धो लेती हूँ। देन आई फ्रेशन अप। उसके बाद मैं टॉयलेट जाती हूँ, यानी शौच आदि क्रियाएं निपटाती हूँ। देन आई प्रिपेयर टी फॉर माई हस्बैंड एंड मी। फिर मैं चाय बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। आफ्टर हैविंग टी वी गो फॉर अ वॉक। चाय पीने के बाद हम लोग सैर के लिए निकल जाते हैं। आई कम बैक आफ्टर एन आवर एंड टेक अ शावर। करीब 1 घंटे के बाद मैं वापस आती हूँ और फिर मैं नहा लेती हूँ। देन आई से माई मॉर्निंग प्रेयर्स, या फिर देन आई वर्शिप, मतलब उसके बाद मैं अपनी सुबह की प्रार्थना कर लेती हूँ। आफ्टर दैट आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं सुबह का नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आई सर्व ब्रेकफास्ट टू माई फैमिली। नाश्ता तैयार होने के बाद मैं नाश्ता अपने परिवार के लोगों को परोस देती हूँ। सर्व ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता परोसना। देन आई पिक आउट माई क्लोथ्स। उसके बाद मुझे जो भी कपड़े उस दिन पहनने हैं वो मैं अलमारी से निकाल लेती हूँ। पिक आउट माई क्लोथ्स मतलब अपने कपड़े चूज करके निकालना जो आपने उस दिन पहनने हैं। आई गेट ड्रेस्ड एंड कोम माई हेयर, या फिर आई गेट ड्रेस्ड एंड ब्रश माई हेयर। तो उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ और मैं अपने बाल कोम्ब कर लेती हूँ यानी कंघी कर लेती हूँ। और अगर आप ब्रश यूज़ करते हैं अपने बालों को बनाने के लिए तो फिर आई ब्रश माई हेयर। आफ्टर दैट आई वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद मैं घर से ही काम करती हूँ। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है घर से ही जॉब करती हूँ। आई वर्क ऑन द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर पे काम करती हूँ। कंप्यूटर के लिए आप ध्यान दीजिए, मैंने ऑन द कंप्यूटर यूज किया है। जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हैं उनको हम ऑन कहते हैं, जैसे ऑन द कंप्यूटर, ऑन द टीवी, ऑन द फोन। एट अराउंड 1 PM आई प्रिपेयर लंच, या फिर आप कह सकते हैं आई कुक लंच। तो 1 बजे दिन में मैं दिन का खाना यानी कि लंच बनाती हूँ। We have lunch at around 2:30 PM. तो दिन के 2:30 बजे के आसपास हम लोग अपना खाना खा लेते हैं। After lunch, I take a nap. तो दिन का खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। नैप का मतलब होता है एक छोटी सी नींद जो हम दिन के टाइम पे लेते हैं, करीब 1/2 घंटे या 1 घंटे की नींद, जिससे हम फ्रेश हो जाते हैं। आफ्टरनून की जो नींद होती है, नैप। एट अराउंड 5:30 PM आई हैव इवनिंग टी विद माई फैमिली। फिर शाम के करीब 5:30 बजे मैं शाम की चाय लेती हूँ अपने परिवार के साथ। देन आई हेल्प माई चिल्ड्रन विद देयर स्टडीज। उसके बाद मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हूँ। आफ्टर दैट आई स्टार्ट डिनर प्रिपरेशन। तो इसके बाद मैं रात का खाना यानी कि डिनर की तैयारी शुरू कर देती हूँ। आई मेक सम फोन कॉल्स एंड चेक माय मैसेजेस एंड सोशल मीडिया। तो साथ के साथ खाना बनाने के साथ साथ मैं कुछ अगर कहीं फ़ोन करना हो तो फ़ोन कॉल कर लेती हूँ। मैं अपने मैसेजेस चेक कर लेती हूँ और सोशल मीडिया भी चेक कर लेती हूँ, जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम आदि। आफ्टर डिनर आइदर वी गो फॉर अ वॉक और आई वॉच टीवी। तो रात का खाना खाने के बाद या तो हम सैर कर लेते हैं और या फिर मैं कुछ टीवी देख लेती हूँ। देन आई चेंज इन टू माई नाइट ड्रेस और पजामाज। तो उसके बाद मैं रात के कपड़े पहन लेती हूँ। नाइट ड्रेस यानी कि नाइटी या नाइट गाउन, और पजामाज हम बोलते हैं वो जो पूरा सेट होता है टॉप और पजामे का, उसको इंग्लिश में कहते हैं पजामाज। तो आई चेंज इन टू माई नाइट ड्रेस या फिर आई चेंज इन टू माई पजामाज। आई पुट माई चिल्ड्रन टू बेड। उसके बाद मैं बच्चों को सुला देती हूँ। देन आई टेक आउट द गार्बेज एंड लॉक द मेन डोर। उसके बाद मैं कूड़ा बाहर निकाल देती हूँ और जो मुख्य द्वार है उस पर ताला लगा देती हूँ। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ। उसके बाद मैं अपने दांत साफ कर लेती हूँ। देन आई रीड अ बुक फॉर सम टाइम। फिर मैं कुछ देर के लिए कोई किताब पढ़ लेती हूँ, कोई किताब या फिर कोई नॉवल पढ़ लेती हूँ। फाइनली एट अराउंड 11 PM आई स्विच ऑफ द लाइट्स एंड गो टू बेड। फिर आखिर में 11 बजे के आसपास मैं सारी लाइट्स जो है वो ऑफ कर देती हूँ और सोने के लिए बिस्तर पे चली जाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस में आप बहुत आसानी से अपना डेली रूटीन किसी को भी इंग्लिश में बता सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।